मैं जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, घर भी नहीं है, और अगर घर मिल भी गया तो रेंट कैसे देंगे उसका। माँ सभा जेल में पता नहीं किस हाल में होगी। और ठीक है, तुम खुद को संभालो, परेशान मत हो। साफ साफ ये कि आज से आपका ये घर मेरा और इस घर से जुड़ी हर चीज भी मेरी। ये मत भूलो कि तुम अभी इस घर के सिर्फ 50% के मालिक हो। सही कहा आपने, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मैं इमाद हूं, वो इमाद जिसने आपकी बेटी आपको वापस ला के देनी है। मानना पड़ेगा को हो तो तुम बहुत यूनिक, इस आसाइशों भरी जिंदगी को छोड़कर तुमने उस कचरे के ढेर में रहने को सिलेक्ट किया। अब पता चलेगा तुम्हें कि आसाइशों और जरूरतों में क्या फर्क होता है। तुम आसाइशों में रहने की आदी हो कोमल, जरूरतों के हिसाब से जीना तुम्हारे बस की बात नहीं। वो क्या कहते हैं, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी समथिंग। खैर नया नया इश्क है, सर चढ़कर तो बोलेगा ही। मुझे जाने दो खुदा का वास्ता, मुझे अपनी बहनों के पास जाने दो, मुझे 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 जाने दो, मुझे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी बहनों के लिए मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मुझे उनके पास जाने है वो के लिए, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये कैसा ख्वाब था, मेरे बहन भाई इतनी मुश्किल में। पर अब वक्त आ गया है अपनी अपनी आखिरी चाल चलने का। अब मैं अपना आखिरी पत्ता खेलूंगा, अब मजा आएगा। मतलब मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। तुम्हारा नहीं, वो मेरा बच्चा है। आइंदा मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, मैं अपने बच्चे को आसिया के हवाले करके आया हूं, वो संभालेगी उसे। तुम उसे हाथ नहीं लगाओगी अब। इस्लाम मेरा बच्चा। वानिया इस्लाम मेरा बच्चा, मैं माँ हूं उसकी। अपने आप को इसकी माँ कह रही हो ना, माँ बन कर तो दिखाओ इसकी। दुनिया की किसी माँ को साबित नहीं करना पड़ता कि वो उसका बच्चा है। बस करो बस करो। मेरा बच्चा, ये क्या बदतमीजी है भाई, ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मेरा पूरा हक है इसके ऊपर। वानिया बस करो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, ये मेरी औलाद है, मैंने अपनी बहन को सौंपा है, तुम कौन होती हो? जिसे अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नहीं नवाजा तो उसे आप और मैं कौन होते हैं खुशी देने वाले। वानिया भाई रहने दे भाई। तुमने आज हद पार कर दी है। हद तो इसने पार कर दी है, और ये अपना घर तो बसा नहीं सकी, मेरा घर भी बर्बाद करने आ गई। बस करो वानिया, निकल जाओ अभी इसी वक्त मेरे कमरे से। मैं तो चली जाऊंगी लेकिन तुम अपने निकलने की तैयारी पकड़ लो। तुमने जो आज किया है ना, भूलूंगी नहीं। Thank you.
पता नहीं क्या हो गया इसके पास। ये सारी चीजें तुम लोग आपस में बांट। सर आप हम सब लोगों को जब ये नए कपड़े देते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है। चलो ठीक है जाओ तुम काम करना। तब व्हाट माँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। सोहेल ने मुझसे क्यों छुपाया? क्या वाकई यह सच है? हेलो, तुम नूर के कजन हो? तो तुमने आज तक बताया कि नहीं? बताने से क्या उसकी सजा कम हो जाती? उसकी सजा तो कम नहीं होती, मगर तुम्हारा अधूरा सच मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है। सोचो सोचो, जितना तुम सोचोगे उतना मजा आए। जब तुम सोचोगे तो तुम हकीकत का पता कर पाओगे, जब तुम्हें हकीकत मालूम होगी तब नूर के लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। मतलब क्या तुम्हारा? अब तुम्हें मेरी हकीकत पता चली गई है तो तुम्हें एक अधूरी बात और बताता। क्या? नूर से पूछना कि असलम कौन था। असलम? अब ये कौन है? तफसील तुम्हें नूर ही बता देगी। हाँ, बस इतना बताता चलूं कि असलम वो था जिसके लिए नूर ने मुझे छोड़ा। I'm so sorry, मुबीन। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं बोलोगे, मगर आई नो दैट तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। कुछ और ना सही, कम से कम इस तरह तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ना। वानिया, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ, तुमसे पूछने आया हूँ कुछ। मैं जानती हूँ कि आपने क्या पूछना है। आपने यही कहना है ना कि मैं इतनी बदतमीजी कैसे कर रही हूँ। हमारे लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात के बावजूद मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है। हालांकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि गलती तुम्हारी अपनी है। इस बार गलती आपकी है, मेरी नहीं है। मेरी? हाँ, आप जानते थे ना कि मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, उसके बावजूद आपने इतनी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी कि मैं फेल हो गई। और तो और, मेरी बहन सबा इतनी प्रॉब्लम में, और आप क्या कह रहे थे अपनी बहन से? क्या कह रहे थे कि आपने मुझसे शादी करके गलती की है? बस तुमने आधी बात सुनी और उसको फौरन रिएक्ट कर दिया है ना। सोचे अधूरी बात सुनी थी, पूरी बात सुनती तो क्या करती मैं? अगर पूरी बात सुनती ना तो ये सब कुछ नहीं करती। आधी बात सुनी। जब मेरी किसी को परवाह नहीं है तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? Thank you.
अब क्या वजह है यहाँ आने की? तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं किसी वजह से आया? क्योंकि आप हमेशा किसी न किसी सवाल के साथ ही आते हैं। इस बार सवाल है। असलम कौन था? मेरा मंगेतर था। हाँ, मतलब असलम तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था। और आपको जो भी तफसील चाहिए वो आप उसी से जाकर पूछिए जिसने आपको असलम के बारे में बताया। घर की टेंशन एक तरफ, मगर इस बार पेपर्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अरे इसकी दवाई का टाइम हो गया है, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, गला इतना खराब हो रहा है इसका। हमारे घरेलू झगड़े में तुम फंस गए, मामा को माफ कर दो, अब से मामा आपको बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच डैड। ओह सॉरी मिस्टर शफकत, मेरे ऊपर ब्लॉक क्रेडिट कार्ड मारकर बहुत बड़ा एहसान किया आपने। लेकिन कोमल बात तो सुनो, मैंने हेलो कोमल, कोमल क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? इमाद, आर यू टॉकिंग टू मी? क्यों किया तुमने ऐसा? पहले कोमल का न्यू बिजनेस बंद करने का फैसला, अब ये कार्ड्स ब्लॉक, क्यों? यू आर एट मिस्टेक मिस्टर शफकत, मैंने पहले कार्ड्स ब्लॉक किए और उसके बाद उसका बिजनेस। बंद हुआ नहीं। सी कितना वक्त लगता है एक लॉस में जाते हुए बिजनेस को बंद करने में? बिल्कुल पागलपन पर उतर आए हुए मार। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आगे आगे देखें क्या करता हूं। Now you may leave. गुड्डू, तेरा पापा तुझे टाइम नहीं दे पाता, क्या करें? तुम्हारी माँ ही हमसे हैंडल नहीं होती। गुड्डू,
जादू? क्या अल्लाह? वानिया? गुड्डू? गुड्डू? क्या हुआ गुड्डू? क्या हुआ इसको? क्या हुआ गुड्डू को? कोमल, कोमल, ये क्या कर रही हो? कार जला रही हूँ। वो तो दिख रहा है, लेकिन क्यों? ब्लॉक कार्ड्स के साथ ऐसे ही होना चाहिए। ब्लॉक कार्ड? लेकिन तुम्हें कैसे पता है ब्लॉक है? वो एक्चुअली मैं करना नहीं चाहती थी, मगर ट्राई किया था, राइट? और ये भी नहीं सोचा कि मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी। अरे अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती, मैं लाके दे देता। हेलो, क्या क्या हुआ गुड्डू को? अच्छा मैं हॉस्पिटल आ रहा हूं। ओके, तो क्या हुआ मोबीन? वो गुड्डू को मैं आके बताता हूं। मुझे बताओ तो क्या हुआ? मैं आ रहा हूं।